का, नटराज का। किसका पूजन? नटराज। क्योंकि वीणा देवी को सरस्वती को भी अगर कोई स्वर प्रदान करता है, माता सरस्वती को यदि कोई नृत्य प्रदान कर रहा है, माता सरस्वती को यदि कोई वीणा में स्वर प्रदान कर रहा है, माता वीणा वादनी को अगर कोई वीणा सिखा रहा है, माता सरस्वती को नृत्यांगना सिखा रहे हैं, तो वो नटराज भगवान शिव सिखा रहे हैं। शंकर, दुनिया के लोग माता सरस्वती को पकड़ते हैं और सरस्वती शिव नटराज को। पहला नाट्य सिखाने वाला ही शंकर सरस्वती को। इसलिए कहते हैं विद्या अध्ययन करने वाले बच्चों को शिव का स्मरण करना चाहिए। शंकर का स्मरण करो, जब जब पढ़ने बैठो मन नहीं लगे। कई बच्चों की आदत रहती किताब लेकर बैठ जाते हैं, लाइन पर इंगली भी रखेंगे, सब ध्यान करेंगे, पर याद भी तो होना चाहिए। याद कैसे हो? तो महाराज, जितनी बार विद्या अध्ययन करने बैठे बच्चे, उतनी बार ओम सरस्वती का स्मरण करें। किसका स्मरण करना है? ओम सरस्वती। ओम का संलेखन लंबा लेवे, आखिरी में सरस्वती पर विराम कर दे। ओम सरस्वते नमः। ओम सरस्वती का स्मरण करिए। पांच बार बोलने के बाद बच्चा खेलते हुए भी अगर किताब में एक लाइन भी पढ़ लेगा तो वो बच्चा उस लाइन को कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता, भले वो उस क्लास को पास करके आगे की 10 क्लास में क्यों ना पहुंच जाए, भूल नहीं सकता।